गाइस कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय न्यू वीडियो ट्यूटोरियल। तो आज की इस ड्राइंग वाली वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं स्टार फायर फ्रॉम टीन टाइटंस गो। सो शॉर्ट सी वीडियो होगी, देखते हैं। अभी तुम्हारे बनाई नहीं है तो चलें अब जल्दी से अपनी चीज़ें लेते हैं जो ड्राइंग की मटेरियल्स हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। चलें तो आ गए हैं। सबसे पहले तो मैं अपना ड्राइंग वाला केस निकाल लूं। सो अभी जो हमें चाहिए इसके अंदर से, सबसे पहले तो हमें ये चाहिए होगा आउटलाइंस के लिए, और ये भी हमें चाहिए होगा आउटलाइंस के लिए, और हमें सिंपल वाली ड्राइंग की, ये तो शॉप ही की गई तो यूज्ड, मैं ये ड्राइंग की ये पेंसिल ले लूँगा। सो इरेजर भी इसी के पीछे लगी हुई, तो बस हमें ये चीज़ें चाहिए। और हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ वो है, पहले इसको हटा देते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यहाँ पे पड़ी है, तो पहले इसको खोलते हैं। और ये है सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, एक A4 साइज़ का वाइट पेपर जो हम पोर्ट्रेट मोड में रखेंगे। चलें शुरू करते हैं। और जो स्टार फायर है वो बनाने के लिए हमें जो पेज की जो फॉर्मेशन है वो हमें पोर्ट्रेट रखनी है। तो चलें अब शुरू करते हैं हम अपनी ड्राइंग को। सबसे पहले तो हमें सेंटर ऑफ द पेज के ऊपर सर्कल बनाना है। वैसे इतनी सर्दी है कि ना सर्कल बिना सही से बनेगा नहीं। अब हम सर्कल बनाते हैं, कोशिश तो वैसे सही करेंगे बनाने की। ये इस तरह को हमें कुछ सिंपल सर्कल बनाना है। अब हम इसकी चिन्ह का देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ना यहाँ पे ना एक डॉट यहाँ पे और एक डॉट यहाँ पे, और हमें एक डायगोनल लाइन लगानी है जो कि कुछ बनने के बाद कुछ इस तरह को बनेगी, या फिर ये कुछ ज़्यादा ही डायगोनल हो गई है, हमने इस तरह को करनी है। ये हमने तो इस तरह को हमने कुछ लाइन लगानी है लाइक दिस। अब हमें जो लाइन है वो थोड़ी सी हमें नीचे को लेके आनी है इस तरह, और जो इसकी चिन्ह है वो हमें इस तरह शार्पर बनानी है, इस तरह को शार्प। और अब दूसरी जो चिन्ह है वो कुछ इस तरह को हमने बनानी है, और ये लाइक दिस। हमें कुछ इस तरह को हमने इसकी शार्प चिन बनानी है। अब इनके जो है ईयर्स बनाने का टाइम आ गया है। सबसे पहले तो हमें एक मिनट, यहाँ पे एक सिंपल सी हल्की लाइट लाइन लगाने नहीं है, सिंपल सी। और अब हम बनाएंगे इसके ईयर्स, हमने बनाने हैं लाइक दिस, वन ईयर, और सेकंड लाइक दिस, और जब बाल वगैरह हैं वो ऑल ओवर बाद में आ जाएंगे। इस तरह को कुछ बनाना है। नाउ इट्स टाइम फॉर हर नेक, शी इज़ अ गर्ल, टीन एजर, आई कैन से टीन टाइटन्स, दे आर टीन। यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको नीचे लेके आना है, अगर आप लोगों को सही से नज़र आ रहा है। इस तरह को हमने बना लेना है। एंड नाउ फॉर हिज हर बॉडी, सॉरी आई मैं हिज बोल रहा था, गर्ल है तो इसके लिए हर होगा। फॉर हर बॉडी हमें यहाँ पे एक सर्कल को इस तरह का कुछ ओवल बनाना है, इस तरह को हमें ओवल बना लेना है। हमने ये इसके बॉडी के लिए हमने सबसे पहले तो ये ओवल बनाना है, और फिर इसके यहाँ पे बैली साइड, यहाँ पे बैली से ऊपर थोड़ा बहुत यहाँ पे हमने बना लेना है ये
ये इस टाइप का हमने बनाना है। थोड़ा सा इसको नैरो की वर्ड लेके जाएंगे इस तरह, और इस तरह को, और हम इसको कट ऑफ कर देंगे लाइक दिस। एंड नाउ हियर हर सेंट्रल लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम हियर टू ये, इस तरह को हमने बनाना है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन बनाऊंगा इस तरह को, पतली लाइन। और अब एंड नाउ आई मेक हर वेस्ट, एक ओवल हम बनाएंगे जिसको वेस्ट कहेंगे, वेस्ट ही है, वेस्ट के तौर पर बनाऊंगा। इस तरह को, तो ये पैसे की तरह था, तो ये वेस्ट के तौर पे है। तो हम ये पिक बनाने जा रहे हैं, तो देख सकते हैं कि आप हमारा इतना जो हिस्सा है वो बन गया है, और ये हमने ये भी बना लिया, ये भी बना लिया, और अब यहाँ पे हम वेस्ट बना रहे हैं। फिर हम इसकी लेग्स वगैरह सारा कुछ बनाएंगे, सो यू कैन सी। और अब हमें जो ये लाइन है इसको इसको इस तरह को हमने कर देनी है इस तरह। सो अब यहाँ पे तो हमने वैसे स्कर्ट आनी है, तो अब हम इसकी यहाँ पे समझ लो वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट आ जाती है, और ये इसकी लेग्स हैं होंगी हमारे, हमारी स्टाफ आर के इस तरह को। सो अब हम इसकी लेग्स का करेंगे हमने कि कहाँ तक आए, तो लेग्स जो है इसकी यहाँ तक बहुत है। सो नाउ वी फिगर आउट द लेग्स। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको सबसे पहले मैं इरेज करूँगा कि मुझे अभी देखना है कि किस तरह इसको आगे की तरफ लेके जाना है। सो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इसको अंदर की तरफ लेके जाना है। और इस तरह को हमें इस तरह को हमने इसकी लेग बना। सो यहाँ पे अब हम इसकी फुट का करेंगे अरेंज। तो यहाँ पे सबसे पहले ये साइड, और फिर यहाँ पे इस तरह को साइड लेके जाएंगे, और यहाँ पे चोंच सी बन जाएगी। और अब हम यहाँ पे जो है इसकी ये जो दूसरी टांग है उसको हम फिगर आउट करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये जा रहा है ट्राइंगल, और ये दूसरी साइड, और अब हम इसको यहां से लेके आएंगे इस तरह को हमने करना है इस तरह से कुछ। सो अब हम इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरीके से अटैच कर देना है, और इसको हमने कुछ आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हमने अटैच कर देना है इसको हम, सॉरी, तो इसको हमने थोड़ा सा ना इनवर्ड्स लेके जाना है इस तरह को, और बाकी इसको हम मिटाएंगे, और इसको हमने फिगर आउट करके ये इस तरह बना लेना है। और अब हमें इस वाली लाइन को ये बस सिंपल हमने अटैच कर देना है, और इसको हम यहाँ से साफ कर सकते हैं इस वाले गंद को। सो यहाँ पे हमें एक और काम करना है, इसकी जो ये है यहाँ पे लेग, इसको हमने इसके साथ अटैच कर देना है, और इसको यहाँ पे इस तरह। और अब हम बनाएंगे इसके जो हाथ हैं वो बनाएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से इसको लेके आना है, और यहाँ से ये इस तरह, और फिर दूसरे यहाँ, और फिर
यहाँ, और यहाँ पे इसको इस तरह कर देना है, और इसको इस तरह कर देना है, और यहाँ पे ये इस तरह कर देना है। इसको अभी हमने थोड़ा सा फिगर आउट करना है इस तरह, फिर हमने इस तरह, फिर इस तरह, ये इस तरह को हमने कर देना है। सो अब हम इसको भी फिगर आउट करेंगे। हमने थोड़ा सा इसको लंबा किया, इसको किया इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और ये आउटर लाइन हमने लगा दी। सो ये इसके कॉम्प्लेक्स हैं, तो हमें अभी इसके जो बाजू हैं वो हमें यहाँ से लेके इस इधर अटैच करने हैं, और दूसरी को भी हमने यहाँ से इसके साथ यहाँ पे अटैच करना है, और दूसरी बाजू को भी हमने इसी तरह ही यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। और अब हम यहाँ से फिंगर्स बनाएंगे। सबसे पहले एक ये फिंगर है, फिर एक ये है, फिर ये, फिर ये यहाँ पे, और दूसरी को भी हम करेंगे यहाँ पे ये, और ये, और फिर ये, और ये। सो अब हम इसके फिंगर्स को फिगर आउट करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाली फिंगर को करूँगा। तो आप फिंगर को बस इस तरह ही लाइंस, सो थ्री लाइंस यू कैन ड्रॉ, एंड अदर को भी हम करते हैं। यहाँ पे कैमरा गिर ना जाए। सो मैं नज़र के लिए यहाँ पे नज़र को भी, हमने दूसरों को भी यही करना है, बस मैंने ये बताया था कि हमने ड्रॉ किस तरह करनी है। तो इस तरह। सो अब हम यहाँ पे लाइन बनाएंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे हमने लाइन बनानी है इस तरह को। सो हमने इसका यहाँ से सूट फिगर आउट करना है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लाइन लेके जाएंगे, फिर दूसरी लाइन यहाँ पे लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे इसको सूट को करेंगे फिगर आउट इस तरह, और इस तरह। सो अब हमें थोड़ा सा ईयर्स को फिगर आउट करना है, दोनों ईयर्स को। तो ईयर्स को जो हमने करना है, थोड़ा इस तरह लाइन निकालनी है, और ये पॉइंटी ईयर्स बनाने हैं हमने इनको। दूसरे के साथ भी यही होगा। सो दूसरा मैंने जो बनाया वो थोड़ा इसी तरह का ही है, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर दूसरे के ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके कुछ हेयर्स बनाएंगे जो कान के नीचे से निकले होते हैं। पहले हमने हेयर ये, और दूसरे भी हम ड्रॉ करेंगे इस तरह, इस तरह, और यहाँ इस तरह को। सो अब हम इसको नीचे से फिगर आउट करेंगे इसके बालों को यहाँ से। सो सबसे पहले तो हमें ये इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, और कुछ इस तरह को। सो हमने अब इसी तरह ही यहाँ से सबसे पहले तो हमें बाल निकालने हैं, और हम और यही बाल हम यहाँ पे भी निकालेंगे। सो अब हमने इसी को हमने इसके साथ
तो ये इस तरह, और दूसरी साइड को हम करेंगे तो दूसरी साइड में कोई ये इस तरह, कोई इतने लाइंस वगैरह नहीं हैं, मतलब जैसे कुछ होते हैं ना एरोज वगैरह, स्ट्राइक्स वगैरह, तो वो नहीं है। सो हमने ये, और हमें पहले हम फेस को करेंगे फिगर आउट। सबसे पहले हमने इसको सर यहाँ से कुछ तरीके से इरेज करना है, और ये इस तरह को, और ये कुछ इस तरह, और इस तरह को कुछ हमने करना है, और ये। सो अब हमने यहाँ पे इसके हेयर्स का जो है स्टाइल वो हमने ड्रॉ करना है। यहाँ पे पहले पॉइंट, और ये इस तरह, और इस तरह, और इसको हमने यहाँ से फिगर आउट करना है ऐसे, इस तरह, और दूसरे को भी हमने इस तरह को फिगर आउट कर लेना। तो अब हमने यहाँ पे इस तरह को कुछ हमने यहाँ पे फिगर करना है इस तरह। तो अब हम यहाँ से इसको इस तरह स्ट्रेट लेके जाएंगे, और फिर हमने यहाँ पे एक एरो, फिर यहाँ पे थोड़ी सी बम्प टाइप होगा ये, और फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह अटैच कर देंगे, फिर बाकी का है फालतू, हम इसको यहाँ पे इस तरह रिलीज कर देंगे। सो हम बाकी जो यहाँ पे है हिस्सा, इसको हम कर देंगे इरेज, ये जोन सा भी हिस्सा है, और यहाँ पे एक हेड बना देंगे यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे इसकी जो है सेंट्रल लाइन बनाएंगे, और वो होगी यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एक इसकी नोज़ बनाएंगे, तो वो यहाँ पे इस तरह की होगी। यहाँ पे अब हम इसकी जो है स्माइल बनाएंगे यहाँ पे इस तरह। सो अब हम यहाँ पे, सो यहाँ पे हम इसकी यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और यहाँ पे डॉट लगाएंगे, और इसको इस तरह ऊपर की तरफ, और इस तरह ये, और फिर यहाँ पे ये बाल आ रहे हैं, और जो दूसरी है वो यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी मेरी गलती होगी, हालांकि ना आंखों पे बाल आने चाहिए थे, और बाकी हम कोई नहीं, जुगाड़ू बंदे हैं, हम चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह को हमने बना लेना है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये कुछ आईब्रोज टाइप की है वो हमें बनाना है, आई लैशेज आई कैन से। यहाँ पे हम इस तरह हम बनाएंगे, यहाँ पे दो बनाएंगे। सो अब आस्ता आस्ता इसको इसकी लुक मिलती जा रही है। अगर आप लोगों ने देखे हैं ये कार्टून तो आप लोग मुझे ज़रूर बता सकते हैं। सो अब हम इसको उसी तरह से ही फिगर आउट करेंगे, यहाँ पे काला, और इसी के साथ यहाँ पे दूसरा, ये पहला ये जो छोटे वाला है, और हम दूसरा भी इसी तरह ही बना देंगे इस तरह को ये। और अब हम यहाँ पे हमें इसकी आइज़ के लिए अंदर हमें पहले एक सर्कल बनाना है, फिर इसके अंदर एक और सर्कल बनाना है, और फिर ये, और यहाँ पे भी हम पहले सर्कल बनाएंगे, इसके अंदर एक और सर्कल, और फिर एक और सर्कल, यहाँ पे कार्टून लुक इसको मिली। और अब हमने ये जो यहाँ पे साइड वाला जो दरमियान वाला सर्कल है, हमने इसको ब्लैक कलर का कर देना है,
इसको भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे और इसकी नोज़ को भी थोड़ा पॉइंटी बना देंगे। और जो ये वाली लाइंस हैं, सेंटर लाइन हो गई, जोन सी भी लाइन हो गई, या बल्कि आफ्टर में जब हम इंकिंग करते हैं तो उसके बाद भी आप लोग इसको इरेज कर सकते हैं। बाकी इस तरह भी करेंगे तो सही है, जिनको पेंसिल से ही बनानी, बस सिंपल बनानी है। सो अब इसका कॉस्ट्यूम बनाएंगे। सो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको बनाएंगे, और फिर हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, लेकिन एक सिंपल सा सर्कल बनाना है, और इस साइडों पे जो है ना इसको कर देना है ये, और इस तरह को हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा डार्क शेप बता देंगे। सो अब हम यहाँ पे इसकी जो सेंटर लाइन है उसको हम यहाँ पे दोनों साइड से इरेज कर देंगे और इसको सही फिगर देंगे यहाँ पे अच्छी, और यहाँ पे इसको अब लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड, और बाकी इसको भी हम यहाँ पे, और फिर इसको हमने स्कर्ट की शेप देनी। तो अब हम यहाँ पे इसको सबसे पहले हमने यहाँ पे बेल्ट की इसको शेप देनी है। यहाँ पे इसको पहले सर्कल देंगे, यहाँ पे हमने पहले तो इसको ये हो गया। अब हम थोड़ी सी ना इसको यहाँ से इरेज करेंगे, और फिर हमने यहाँ पे ये सर्कल, ये हो गया। अच्छा तो अब हम यहाँ पे इसको लाइंस यहाँ पे हमने बना देनी है, इस तरह को फिगर आउट करनी है, और दूसरी यहाँ पे सर्कल एक बनाना है और यहाँ से लाइन जाएगी। सो अब हम यहाँ पे इसको यहाँ पे एक सर्कल हमने बनाना है, और फिर यहाँ पे ब्लैक यहाँ पे लाइन बनाएंगे, इसको हमने साइडों से भी ब्लैक कर दिया, और यहाँ पे दूसरा सर्कल बनाएंगे, इसको भी एक यहाँ पे वाइट सर्कल, और इस तरह, और इसको हमने साफ सुथराई से पहले ये लाइन फिर ये। सो अब हम यहाँ पे इसको हम बनाएंगे, इसको सही करेंगे। सो हमने इसको इस तरह से ड्रॉ करना है, हमने सारा मैंने एरिया जो है वो इरेज कर दिया है, और जो ये वाली जो है ना लाइन हमने यहाँ पे से इसको इरेज करनी है। ओहो तो उसी पेन से ले लूँ, बल्कि ये री नीचे करनी थी, सॉरी भाइयों। तो यहाँ पे हमने इस तरह, और ये जैसे ही इसकी यहाँ से नीचे से आ रही है टांगे, तो यहाँ पे हम एक लाइन लगा देंगे, फिर हम यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, और लास्ट जो स्टेप है हमारा यहाँ पे ये, और यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे, और यहाँ पे ये। और इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारी स्टाफ आया है फ्रॉम किंग टाइटंस गो इज़ रेडी फॉर एक्शन। और इसके बाद अब आप लोग इसके ऊपर ये इंकिंग कर सकते हैं ताकि इसको मोर अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। सो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।